बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे पास कंप्यूटर शॉप के लिए सेल्स आइटम की एक डाटा शीट है जिसके अंदर हम अपनी डेली की सेल्स इंटर करते हैं। इसमें पहले नंबर पर है हमारा सीरियल नंबर, फिर दूसरे कॉलम में है आइटम नेम, तीसरे कॉलम में इसकी क्वांटिटी है, चौथे में रेट और पाँचवें में इसकी अमाउंट है। अगर हमने इसके अंदर एडिशन करनी हो, आप देखेंगे कि इसका रेट वाला कॉलम भी लॉक है, अमाउंट वाला कॉलम भी लॉक है, आइटम वाला कॉलम भी लॉक है। सिर्फ इसके अंदर अगर हम चेंजिंग कर सकते हैं तो इस क्वांटिटी वाले आइटम के अंदर, देखें इसको हम पाँच भी कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, इसके अंदर भी चेंजिंग कर सकते हैं, इसके अंदर भी चेंजिंग कर सकते हैं और इसके अंदर भी चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन हम रेट वाले कॉलम में चेंजिंग नहीं कर सकते, ना अमाउंट वाले में कर सकते हैं, ना कीबोर्ड वाले में कर सकते हैं और ना किसी दूसरी जगह पर हम क्लिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल्स लॉक है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि इस तरह की शीट कैसे बनाई जाएगी जिसमें हम चंद सिलेक्टिव सेल ही सिर्फ एडिट कर सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ क्वांटिटी वाले सेल्स के अंदर ही एडिट कर सकें तो इन सेल्स को सिलेक्ट कर लें, फिर रेड क्लिक करें, फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाएं और यहाँ पर है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के अंदर लॉक्ड सेल्स को अनटिक करके ओके कर दें। अब हम जाएंगे रिव्यू के अंदर, प्रोटेक्ट शीट, और यहाँ पर देखें कि ये दो सेल टेक हुए हैं, एक सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स और दूसरा है सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स। तो हम सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स को अनटेक कर देंगे। ऊपर लिखा हुआ है पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, यहाँ पर हम अपना पासवर्ड लिख देंगे। इसमें हम पासवर्ड लिखते हैं 123 लिख कर ओके कर दें। अब वो कहता है री इंटर पासवर्ड टू प्रोसीड, दोबारा हम 123 लिखते हैं और ओके कर दें। तो देखें इस सेल के अंदर हम चेंजिंग कर सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी और इनके अंदर भी। इन सिलेक्टेड सेल्स के अलावा बाकी शीट के अंदर हम कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमारी शीट प्रोटेक्ट हो जाती है और किसी किस्म की गलती के कोई चांस नहीं होते हैं। अगर इसको अनप्रोटेक्ट करना है तो ऊपर दोबारा रिव्यू में जाएंगे, अनप्रोटेक्ट शीट, और यहाँ पर पासवर्ड जो हमने लिखा था वो लिख देंगे 123, इसको ओके कर दें। तो ये देखें, अब हम शीट के अंदर कहीं भी चेंजिंग कर सकते हैं। ये 500 रेट था पहले, अब हम इसको 1200 कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। शुक्रिया।